जय हिंद आदाब, मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। सबसे तेज और ताजा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं शेख मसूद इंटर कॉलेज फरिया आजमगढ़ में एडमिशन ओपन, संपर्क करें और फीस में भारी कमी का लाभ उठाएं। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में 3 महारथियों का चर्चा है और जाहिर है कि मुकाबला उन्हीं के बीच में है, लेकिन एक उम्मीदवार ऐसा भी है जो अपने एक खास चैनल के जरिए से आजमगढ़ की सियासी जिंदगी में हंगामा किया करता है। ये मशहूर जाना पहचाना नाम राजू तलवार का है, जो अपने चैनल उल्लू टीवी के जरिए से अपनी बेबाकी और समाज की बहुत ज्यादा कड़वी सच्चाई को बताकर लोगों की नाराजगी भी मोल लेता है, लेकिन उसकी बेबाकी की तारीफ भी होती है। वो चुनाव में अपनी इसी बेबाकी के साथ लोगों से संपर्क बनाए हुए हैं। वो खूब जानते हैं कि वो कभी जीत नहीं सकते, लेकिन चुनाव की अहमियत को भूलती जाती जनता को कहीं न कहीं वो जिंदा करने की कोशिश में है। राजू तलवार बहुत सोच समझकर अपना चुनाव निशान टॉफी बनाया है, जो प्रतीक है कि किस तरह देश की बड़ी राजनीतिक पार्टियां जनता को टॉफी देकर बहलाने की कोशिश करती हैं। खबरों नजर चैनल से राजू तलवार बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने अपने अंदाज में क्या कुछ कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। समाचारों के समाचार में खबरों नजर चैनल से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उल्लू टीवी के पत्रकार और खुद प्रत्याशी हैं आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में राजू तलवार जी। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं कि आपका चुनाव प्रचार कैसे चल रहा है, क्या अभियान है आपका? पार्टी और नेता चुनाव करता है, मेरे लिए युद्ध की तैयारी है जो मैं 13-14 साल से मेहनत कर रहा हूँ। एक अलग तरह का युद्ध, कलयुग की महाभारत किसी ने नहीं देखा, रामायण किसी ने नहीं देखा, असली रामायण महाभारत हम दिखाएंगे आपको। उल्लू टीवी देखिए, भगवान मनिए, न राम आएंगे न कृष्ण आएंगे। अच्छा, आप किस तरह से जनता के बीच में जा रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं? ये जनता मरे हुए हैं, हम ये मरे हुए लोग हैं, हम इनके बीच नहीं जा रहे हैं, इन्हीं में से शेर खोज रहे हैं। शेर 135 करोड़ लोगों में से राजू तलवार को शेर मिलेंगे और भारत की धरती पर चमत्कार करूंगा। ये चुनाव नहीं, चुतियापा है, चुतिया बनाते हैं साले। क्या समर्थन जनता का मिल रहा है? हम किसी के मोहताज नहीं है, जो करना वो अकेले करेंगे। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? मरे हुए लोगों को जिंदा करना चाहते हैं, पूरा समाज मर गया है, मोदी मलायती जैसे लोगों ने देश को मार दिया है, जमीर मर गया है सबका। क्या उद्देश्य है आपका आजमगढ़ की जनता के लिए? आजमगढ़ नहीं, पूरे देश को जिंदा करना चाहता हूँ। राजू तलवार जो है एक अलग अंदाज में रहते हैं जनता के बीच में, आप ये एक कटआउट जो है बनर लिए हुए हैं, हथियार हथियार हमारा, ये क्या संदेश है इस पर? बस मैं कहना चाहता हूँ कि झूठ और सच में फर्क करिए। आपको झूठ सच लग रहा है, अरे चूतिया है क्या? झूठ सच कैसे हो सकता है? अंतर पता करिए झूठ और सच के बीच, झूठ और सच के बीच की दीवार राजीव तलवार। क्या इस चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत, करप्शन भी मुद्दा रहेगा? जहां नामर्द होंगे, जहां की जनता मरी हुई होगी, वहां ये सब चीजें आम बात है। आप शेर बन जाइए, समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जनता के बीच में आप जा रहे हैं, जनता की समस्याएं क्या है? जनता की समस्या ये लोग मरे हुए हैं, नामर्द हैं, नपुंसक हैं, और जब तक मर्द नहीं बनेंगे समस्याएं खत्म नहीं होंगी। ए मोदी मुलायम आती है, गुलाम है, सब ए तलवे चाटते हैं पूरी देश की जनता दिन रात, मोदी मुलायम आती मुलायम आती करते हैं ये। अगर जो जन समस्याएं हैं, जो बुनियादी समस्याएं हैं, उनको लेकर जनता अगर मुर्दा है तो आप जिंदा कैसे कर रहे हैं? जिंदा कर दूंगा मैं इस देश में। 150 लोग राजू तलवार के लिए जिंदा हो चुके हैं, एक दिन लाखों जिंदा कर दूंगा। ये थे राजू तलवार, जो उल्लू टीवी के पत्रकार भी हैं और प्रत्याशी भी हैं आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में, खबरों नज़र चैनल से बातचीत कर रहे थे। इनका प्रचार करने का एक अलग ही अंदाज़ है, एक अलग ही मूड रहता है इनका। ये जब भी जनता के बीच में जाते हैं, इनका कहना है कि जनता जो है, जो जन समस्याएँ हैं, जो बुनियादी समस्याएँ हैं, उनको लेकर कहीं ना कहीं गाफिल है, सो रही है, मुर्दा हो चुकी है। हम जनता को जिंदा करने के लिए उनके बीच में जा रहे हैं। और खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी आजमगढ़। एक लास्ट बात कहना चाहता हूँ, जिस मीडिया को राजू तलवार नहीं दिख रहा है, तुम्हारी आंखों का, तुम्हारे दिमाग का ऑपरेशन हम जरूर करेंगे। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।